नए नए वीडियो की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को, और इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल हेल्प इन हिंदी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित गुप्ता, और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एयरसेल के सिम कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर 30 जनवरी 2018 से पहले आप अपने सिम कार्ड को किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करवा लें, क्योंकि एयरसेल अपनी सर्विसेज को 30 जनवरी 2018 के पहले बंद करने वाला है। 6 सर्कल्स पर अपनी एयरसेल अपनी 2G सर्विसेज को बंद करने वाला है। 30 जनवरी 2018 के बाद आपको एयरसेल का नेटवर्क आपको फ़ोन पर नहीं मिलेगा, यानी कि 30 जनवरी 2018 तक एयरसेल अपने सारे सिग्नल्स को बंद कर देगा। केवल अभी 6 सर्कल्स पर अपनी सर्विसेज को बंद करने वाला है। सर्कल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर बता दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जल्दी से जाइए अपना डॉक्यूमेंट लेकर किसी भी नज़दीकी किसी भी कंपनी के स्टोर पर, वहाँ से जाकर आप अपने नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। ऑपरेटर पर पोर्ट करवाएं जिसका सिग्नल आपके एरिया पर अच्छा मिलता हो। तो जैसा कि आप कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं, वोडाफोन ले सकते हैं, एयरटेल ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, टाटा डोकोमो ले सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं जिसमें आप अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं। और 30 जनवरी 2018 के बाद आपको आपके फ़ोन पर एयरसेल का सिग्नल नहीं मिलेगा। और बात अगर करें नए कनेक्शन की, तो अगर आपको कनेक्शन लिए 90 दिन अगर नहीं हुआ है, यानी कि अभी आपने तुरंत एयरसेल का नया कनेक्शन लिया हुआ है और आप उसको पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको 10 मार्च 2018 तक का समय मिलेगा। यानी ट्राई आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि 90 दिन के पहले आप अपने कनेक्शन को पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। तो नए कनेक्शन वालों के लिए जो जानकारी थी, वो 10 मार्च 2018 तक अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं, और जिनका काफ़ी पुराना कनेक्शन है तो वो 30 जनवरी 2018 तक अपने नंबर को पोर्ट करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और हमारा सपोर्ट ऐसे करते रहिए, और बोलते रहिए भारत माता की जय।